शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सबसे कबीह बुराई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा एक जिन से कहा कि मुझे ये बताओ कि इबलीस कहाँ रहता है। उसने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के नबी, आपको उसके मुतालिक क्या हुक्म मिला है? फरमाया कि हुक्म तो नहीं मिला, लेकिन वो रहता कहाँ है? तो उस जिन ने कहा कि मैं आपको उसके पास ले चलता हूँ। चुनाचा वो आपके आगे आगे दौड़ रहा था और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उसके साथ थे, हत्ता कि आप अचानक समंदर में जा पहुँचे। इबलीस को पानी की सदा पर बैठे देखा। जब उसने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को देखा तो डर के मारे कांपने लगा, फिर खड़ा हुआ और आपसे मुलाकात की और कहा, ए अल्लाह के नबी, आपको मेरे मुतालिक कोई हुक्म मिला है? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे फरमाया, नहीं, तुम्हारे पास सिर्फ इसलिए आया हूँ कि तुमसे ये पूछूँ कि तुम्हारा सबसे ज़्यादा पसंदीदा काम कौन सा है जो अल्लाह के नज़दीक भी सबसे ज़्यादा बुरा हो। इबलीस ने कहा, खुदा की कसम, अगर आप मेरे पास चलकर ना आए होते तो मैं कभी भी आपको इसका ना बतलाता। अल्लाह के नज़दीक सबसे बुरा ये है कि मर्द मर्द से मुँह काला करे और औरत औरत से, जिसको आज की ज़बान में हम जिन्स परस्ती भी कहते हैं। अल्लाह ताला इस कबीह बुराई से हर मुसलमान की हिफाजत फरमाए। आमीन।